कहते हैं कि रुक्मिणी अम्बा से विवाह के पश्चात भगवान की एक संतान हुई, नाम हुआ प्रद्युम्न। संबरासुर नाम का एक दैत्य है जिसको कहा गया कि तुम्हारी मृत्यु भगवान कृष्ण के पुत्र के द्वारा होगी। तो संबरासुर एक पक्षी का रूप धारण करके आया है। 6 दिन की अवस्था है बालक की। इस बालक को प्रसूति गृह से उठा करके इसने समुद्र में फेंक दिया है, अपनी मृत्यु को टालना चाहता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। कहते कि एक मछली के द्वारा इस बालक को निगल लिया गया, और संबरासुर के राज्य का ही एक मछुआरा है। ये मछुआरा ने अपना जब जाल डाला तो यह मछली फंस गई। अब तो इस मछली को जब देखा और बड़ी विशाल का यह मछली है, मन में इस मछुआरे ने विचार किया कि यह जो मछली है मैं राजा को उपहार में दूंगा, तो राजा से मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। ये मछली लेकर के संबरासुर के पास आया है। संबरासुर ने बहुत सारा इनाम दिया और यह जो मछली है अपने रसोई घर में भेज दी। तो कहते कि यही संबरासुर के घर में मायावती नाम की एक दासी है, और ये मायावती कोई और नहीं है, ये साक्षात देवी रति है। कहते कि जब कामदेव भगवान शंकर की तपस्या को नष्ट करने के लिए आया, और कामदेव ने अपने काम बाण का, पांचों बाणों का प्रयोग भगवान शंकर के ऊपर किया, जब भगवान समाधिस्थ थे। और कहते हैं कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला है और कामदेव तत्काल जल करके भस्म हो गया। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिना किना भग्न मनोरथा सती। भगवान शंकर के देखते देखते कामदेव भस्म हो गया। देवी रति रोते रोते भगवान के पास आई कि प्रभु कामदेव अपने लिए कुछ करने नहीं आए थे, तो देवताओं के हित के लिए आपकी समाधि का टूटना आवश्यक था। देवताओं के हित के लिए हमारे पति ने अपने शरीर का दान दे दिया, अपने जीवन का दान दे दिया। तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा और हुई है हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अभी आपके पति बिना शरीर के ही रहेंगे, इसलिए इनका एक नाम अनंग पड़ेगा, और जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे उनके पुत्र के रूप में आप अपने पति को प्राप्त करेंगी। तो तब से लेकर के आज तक यह जो देवी रति हैं, ये अपने पति की प्रतीक्षा में हैं, जानती हैं कि मेरे पति के द्वारा संबरासुर का वध होगा, तो संबरासुर के राज्य में ही मायावती एक दासी के रूप में सेवा करती हैं। इधर जब उस मछली को लाया गया राज्य में, उसका पेट फाड़ा गया तो उसके अंदर से यह बालक निकला। जीवित अवस्था में यह बालक है। अब तो इस बालक को मायावती को दे दिया गया। कहते हैं कि मायावती ने बहुत सुंदर तरीके से इस बालक का लालन पालन किया है, और दिनों दिन धीरे धीरे करके यह जो बालक है बड़ा हो रहा है, युवा अवस्था को प्राप्त हो रहा है। युवा अवस्था आते आते नगर की जितनी स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, सब इस बालक को देख करके मोहित हो जाती हैं। और हो भी क्यों ना, जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं, साक्षात कामदेव हैं, भला कौन कामदेव को देख करके मोहित ना हो जाए। अब तो देवी रति का जो भाव है वह अभी बदलने लगा। एक दिन प्रश्न कर दिया प्रद्युम्न जी ने कि देवी आपने हमको पुत्र के रूप में पाला है, लेकिन अब हम देखते हैं कि आपका जो व्यवहार है, आपकी जो दृष्टि है हमको देखने की बदल गई। पूरी कथा का वृतांत देवी रति ने बता दिया कि हम रति हैं, आप हमारे पूर्व जन्म के पति हैं, कामदेव हैं आप। आज पूरी कथा को बता करके अनेक अनेक जो जो माया की जो शक्तियां हैं, क्योंकि संबरासुर ये बड़ा मायावी है, अनेक प्रकार की विद्याओं को प्रद्युम्न जी महाराज को सिखाया गया है। और कहते हैं कि यहाँ पर जब प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ है, इस दैत्य का नाश किया है,
मैया के पास आए हैं और सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसी बीच में भगवान के अन्य विवाह हुए, उन विवाहों की कथा मैं कहता हूँ।